नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है दीपक निगम और आप देख रहे हैं बालाजी होम्स इंटरप्राइजेज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोविंदपुरम की फ्री होल्ड कॉलोनियों के नाम और उनकी कीमत के बारे में। तो यहाँ जो पहली कॉलोनी है, जो काफ़ी अच्छे से डेवलप की हुई है, मेन रोड की कनेक्टिविटी में है, उसका नाम है कृष्णा गार्डन। कृष्णा गार्डन में जो रेट आपको मिलेगा प्लॉट का, वो मिलेगा 40,000 रुपये गज से लेकर के 45,000 रुपये गज तक का। कॉलोनी काफ़ी अच्छे से डेवलप है, अंदर पार्क बने हुए हैं, मंदिर बना हुआ है अंदर, और सड़कें भी इसकी काफ़ी चौड़ी हैं। उसके बाद दूसरी कॉलोनी है यहाँ आर के पुरम की अगर बात करूँ तो यहाँ भी प्लॉट की जो कीमत है वो आपको 40,000 रुपये गज से लेकर के 45,000 रुपये गज तक की यहाँ डिमांड करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो गोविंद विहार है, गोविंद विहार फेज टू है, कैलाशपुरम है, केशव कुंज है, बालाजी इनक्लेव है। अगर इन कॉलोनियों की मैं बात करूं तो इनमें आपका जो प्लॉट का रेट मिलेगा आपको, वो मिलेगा करीब 30,000 रुपये गज से लेकर के और 38-40,000 रुपये गज तक का। उसके बाद कुछ कॉलोनियां हैं जो थोड़ा अंदर जा करके डेवलप की हुई हैं, उनमें थोड़ा आपको रेट भी इन कॉलोनियों के बजाय थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो वो कॉलोनियाँ हैं सूर्या गार्डन है, रतन इनक्लेव है, अक्षय इनक्लेव है, और भी एक दो कॉलोनियाँ हैं जो अभी नई डेवलप हो रही हैं। इनमें जो आपका रेट मिलेगा वो आपको 18,000 रुपये गज से लेकर के और 25,000 रुपये गज तक का आपको रेट मिलेगा। उसके बाद एक कॉलोनी है जो उसकी भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, गोविंदपुरम जो बस अड्डा है उसके बिल्कुल पास में है, उस कॉलोनी का नाम है शताब्दीपुरम। शताब्दीपुरम में अगर मैं रेट की बात करूँ तो 30,000 रुपये गज से लेकर के और 36-37,000 रुपये गज तक का उसमें रेट है, लेकिन कॉलोनी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आपको बस और ऑटो आपके घर से पैदल की ही दूरी पर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपका बजट कम है, सपोज़ अगर बात करूँ तो आपका बजट जो है 15 लाख का है, 16 लाख का है, और आपका 17 लाख का बजट है, तो गोविंदपुरम से ही एक दूसरा सटा हुआ एरिया है आकाश नगर। आकाश नगर में अगर मैं बात करूँ तो आकाश नगर एक बहुत बड़ा एरिया है और इसको छोटे छोटे सब एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। तो इसके अंदर के जो एरिया हैं वो प्रधानपुरम, शिवाजीपुरम, साईपुरम, इस तरीके से इसमें छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, पॉकेट बनाए हुए हैं और उन पॉकेटों को डेवलप किया हुआ है। तो इनमें अगर मैं रेट की बात करूं तो आपको 16-17 हज़ार रुपये गज से लेकर के और इसमें 25,000 रुपये गज तक के प्लॉट हैं। डिपेंड करेगा लोकेशन पर, अगर आप थोड़ा अंदर लेते हैं तो आपको 17-18 हज़ार रुपये गज में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल मेन रोड पर लेते हैं तो आपको 25,000, 26,000, 27,000 रुपये गज का रेट आपको मिलेगा। इसके अलावा और कॉलोनियाँ हैं अगर मैं बात करूँ जो बिल्कुल आउटर में हैं, तो वो हैं गोकुलधाम है, कृष्णा इनक्लेव कॉलोनी है। तो इन कॉलोनियों के अगर मैं रेट की बात करूँ, ये थोड़ा गोविंदपुरम से भी हट करके हैं, मधुबन बापूधाम योजना है उसके पास जा करके ये कॉलोनियाँ हैं। तो यहाँ अभी डेवलपमेंट थोड़ा है, हालांकि वहाँ पब्लिक रह रही है, लेकिन इनके बजाय वहाँ डेवलपमेंट बहुत थोड़ा है। तो उनमें आपको प्लॉट जो है 15,000-14,000 रुपये गज के भी रेट से आपको प्लॉट मिल जाएगा। तो ये कॉलोनियाँ फ्री होल्ड की हैं। मैं एक बार फिर से आपको नाम दोबारा बता देता हूँ कौन कौन सी कॉलोनियाँ फ्री होल्ड की हैं जो अच्छे से डेवलप हैं और काफ़ी अच्छी उनमें बसावट हो चुकी है। उनमें नाम है कृष्णा गार्डन है, आर के पुरम है, गोविंद विहार है, गोविंद विहार फेज टू है, कैलाशपुरम है, बालाजी इनक्लेव है, केशव कुंज है, कैलाशपुरम टू है, सूर्या गार्डन, अक्षय इनक्लेव, रतन इनक्लेव, शताब्दीपुरम, न्यू शताब्दीपुरम। तो ये यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं ये सबसे अच्छी और विकसित कॉलोनियाँ हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको GDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टियों के बारे में बताएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि अगर हम आपको कोई नया अपडेट आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको समय पर वो अपडेट मिल सके। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।